दोस्तों महेश्वर रसोई में आज हम बनेंगे नवरात्र के लिए एक और बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग और एकदम नई सी थाली। आप लोगों को रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी क्योंकि जो कुछ बनाया एकदम नए तरीके से बनाया, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। एकदम कम तेल से मैंने ये थाली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे और उसके लिए आपको सिर्फ आधा कप जितने दूध की जरूरत होगी और दूध इतना गर्म हो कि आपकी उंगली आराम से सहन कर सके, यानी हल्का सा गुनगुना दूध लीजिए। और इस दूध में सिर्फ हम डालेंगे 4 टीस्पून जितनी चीनी। बहुत थोड़ी सी आपको चीनी डालनी है, लेकिन ये प्रॉपर मीठा बनकर तैयार होगा। थोड़ी सी मिठास और टेस्ट के लिए थोड़ी सी किशमिश डाल दी, थोड़े से कटे हुए काजू डाल दिया और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे मखाने और ये हल्के से गुनगुने दूध में करीब आप 10 मिनट के लिए साइड से रख दें। ये सब चीज़ें अच्छे से फूल कर सेट हो जाएंगी, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे एक साइड से कर देते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया है ये 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और आलू तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। आलूओं को बारीक वाले कद्दूकस के साथ कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे मोटा कद्दूकस ले लें या बारीक वाला ले लें, लेकिन आलूओं को फोड़ें नहीं वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ये लीजिए हमारे आलू कद्दूकस होकर तैयार है। और उसके बाद मैंने लिया है ये साबूदाना। फ्रेंड्स मेरे पास चीनी वाला साबूदाना था, यानी बारीक वाला साबूदाना था, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आपके पास थोड़ा मोटा वाला साबूदाना हो या बारीक वाला हो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने लिया एक मिक्सी का जार जिसमें मैंने अभी अदरक और हरी मिर्च पीस के रखी थी, उसमें मैंने डाल दिया ये 1.5 कप जितना बारीक वाला साबूदाना। और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 1/2 कप जितना समाके चावल। ये वही चावल हैं जिसे व्रत में खा सकते हैं। और आपको जो साबूदाना इस्तेमाल करना है ना, वो भी वही वाला होना चाहिए जिसे आप व्रत में खा सकें। और इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स ये जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता है, इसमें हल्का सा दाना रहेगा, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। 2 से 3 मिनट पीसेंगे, अच्छे से पीस जाएगा और उतना ही पीस पाएगा। तो ये मैंने ले लिया एक बड़ी सी परात। और इस परात में पहले हमने ये जो भी आटा तैयार किया था ना, साबूदाने और समाके चावल का, वो डाल दिया। उसके साथ ही जो आलू कद्दूकस करके रखे थे वो ले लिए। पर इसके लिए जो आप आलू लेना, ओवर कुक ना करें वरना आपको इसमें बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। अदरक और हरी मिर्च डाल दी। और ये गया व्रत वाला नमक, यानी कि सेंधा नमक। 1/2 टीस्पून जितनी काली मिर्चें डाल दी। और ये लिया है 1 टीस्पून जितना जीरा। कच्चा जीरा डालने बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद स्पेशल टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे मूंगफली का पाउडर। बस आप क्या कीजिए, मूंगफली के दाने लीजिए, हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद आप उसे पीस लीजिए। इसमें बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग टेस्ट करता है। साबूदाने के साथ वैसे भी मूंगफली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस ये देखिए मिश्रण आपका तैयार हो गया है। आलू में मैंने आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही। आप कोशिश करें कि आप इसमें पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आलूओं में ही ज़्यादा पानी है तो आपका मिश्रण आलूओं के साथ भी लग सकता है, वरना बस 2 से 3 टेबल स्पून जितना दही डालें। और उसके बाद बस आप इसे इकट्ठा भर कर लें। बहुत ज़्यादा इस समय आप इसे मसले नहीं, बस इकट्ठा करें और कवर करके आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रख दें। और 10 से 15 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारा ये जो मिश्रण अच्छे से फूल कर सेट हो जाएगा। तो चलिए इसे भी रेस्ट पर रख दिया। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल और थोड़ी नई सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए फिर से आपको आलूओं की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने 4 छोटे साइज के आलू ले लिए, उसमें भी डाला 2 टेबल स्पून जितना मूंगफली का पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। सेंधा नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। और ये गया इसमें अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून जितना, 1/2 टीस्पून जितनी काली मिर्चें। और ये गया हरा धनिया, बस अच्छे से मिक्स किया। फ्रेंड्स व्रत का खाना है, बहुत ज़्यादा आपको मसालों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्विक बनकर तैयार हो जाता है। आज हम बनाएंगे ये मोटी वाली हरी मिर्चें, जो वैसे तो आप हमेशा ही बनाते रहते हैं, शायद व्रत में तो अब से पहले कभी ट्राई नहीं करी होंगी। जब हम नॉर्मल मिर्चें व्रत में खा सकते हैं, तो ये हरी वाली भी खा सकते हैं। तो बस आप इस तरीके से इसमें चीरा लगा लीजिए। और जब मिर्चें चीरा रखकर तैयार हो जाएं
हमने जो भी आलू वाला मसाला बनाया था मिर्चों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा खोलते जाएं और अच्छे से इसमें मसाला भर दें। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके की मिर्चें बना के कूटू के घोल में लपेट कर, यानी कि कूटू के आटे के घोल में लपेट कर आप पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगेंगी। जिसे नॉर्मली हम मिर्ची वड़ा बनाते हैं ना, तो बिल्कुल वही रेसिपी हो गई। उसके बाद गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं 2 टीस्पून जितना देसी घी। आपको एकदम कम घी लेना है, बहुत ज़्यादा घी की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही घी गर्म हुआ उसके अंदर गया जीरा, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, अच्छे से ट्रकल कर लेते हैं। और जैसे जीरा बढ़िया सा चटका, उसके अंदर हम डाल देंगे ये जो भी हमने मिर्चें तैयार करी थी। ये मिर्चें फ्रेंड्स है ना एकदम नई रेसिपी व्रत के लिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और जय माता दी लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हल्का सा नमक डाल देते हैं क्योंकि आउटर लेयर में कोई नमक नहीं है, जिससे आउटर लेयर भी अच्छी सी नमकीन हो जाएगी। और ये गया थोड़ा सा दही, इससे एक तो इसकी रिचनेस बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा, जिससे मिर्ची भी फटाफट पक जाएंगी। तो बस इसे कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में आपकी मिर्चें पककर तैयार हो जाएंगी। तो जितने हमारी मिर्चें पकती हैं हम एक और सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए फिर से गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल दिया फिर से 2 टीस्पून जितना देसी घी। घी गर्म हुआ उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। इस सब्जी में जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालें और 2 लौंग डाल दें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगे। और ये मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च। नॉर्मली फ्रेंड नवरात्रि में मैं क्या करती हूँ, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ पीस के रख लेती हूँ, जिससे काम काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस अदरक और हरी मिर्च बढ़िया सी चटक गई, तो उसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो बस आलूओं को आप काटे नहीं, इस तरीके से रफली सा तोड़कर डाल दें और उसके बाद करीब 1 मिनट तक आप चला लें, जिससे सारे टेस्ट आपस में बढ़िया से कम्बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद लिया व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक, वो भी डाल दिया। और ये मैंने लिए हैं काली मिर्चें। और उसके बाद मैंने ले लिया है गरम मसाला 1/2 टीस्पून जितना। और अब डालेंगे भर भर के पानी। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी थोड़ी सी पतली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आपको गाढ़ी सब्ज़ी पसंद है तो कोई बात ही नहीं है, वरना पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। तो ये गया और पानी, क्योंकि अभी सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी। और ये देखिए एकदम पतली हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार होने वाली है। तो बस कवर कर देते हैं और इसे आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस एक बढ़िया सा उबाल आ जाए। उसके बाद 2 से 3 मिनट पकाइए और आपकी सब्ज़ी तैयार है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू के रस से सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी, एकदम सिंपल तरीका है। और ये गया हरा धनिया। तो देखा ना फ्रेंड्स एकदम आसान तरीके से व्रत के लिए आपकी सब्जी तैयार हो गई। और इधर जो हमने मिर्चें पकने के लिए रखी थी आप देख सकते हैं उनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। तो बस एक बार और उलट पलट दिया। और अब ये गया इसमें हरा धनिया। और ये लीजिए व्रत के लिए आपकी ये वाली मिर्ची भी तैयार हो गई हैं। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 केले। फ्रेंड्स आज की हम जो स्वीट बनाने वाले हैं वो केले के साथ बनाने वाले हैं, लेकिन काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनेगी। केलों को एकदम छोटा छोटा सा काट लिया है। इसके लिए आप जो केले लेना थोड़े से पके हुए हों तो बहुत ही बढ़िया है। 1 कप ले लिया फ्रेश दही और दही को मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया और उसके बाद मथानी से अच्छे से मथ लिया है। और हमने स्टार्टिंग में जो सब चीज़ें दूध में भिगो कर रखी थी आप देख सकते हैं वो अच्छे से भीग चुकी हैं। मखाने, किशमिश सब अच्छे से फूल गया है, वो सब डाल दिया। और अब बारी है इसमें वो केले डालने की, जिसे हमने अभी कट करके रखा था। तो फ्रेंड्स स्वीट में आपका बन गया ये केले का रायता, जो कि खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और काफ़ी हेल्दी भी है। अब मैंने जो चीनी डाली है उसकी जगह आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने इसमें पिस्ते डाल दिए हैं, जिससे कलर अच्छा हो गया। और ये लीजिए हमारे केले का रायता तैयार हो गया। लेकिन तुरंत सर्व ना करें, इसे फ्रीज में रख दें, जिससे अच्छा ठंडा हो जाए। और इसी बीच हमने ये जो डो लगा के रखा था ये भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। एक बार आप इसे अच्छे से मसल लेंगे, शुरू में हो सकता है आपको बिखरा बिखरा लगे, पर आप इसके साथ थोड़ी सी मशक्कत करेंगे ना एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़े बड़े बड़े से इसके हम इस तरीके से पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाकर एक साइड से रखते जाएं। उसके बाद आप ले लें बिल्कुल थोड़ा सा कूटू का आटा, उसमें पेड़े को अच्छे से कोट करें थोड़ा सा,
फैला लें। आपको देखिए लगेगा कि इसकी जो किनारियाँ हैं ना बहुत अच्छे से फट गई हैं। अगर आपको फटी हुई किनारी से कोई इशू नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आप ऐसे भी सेक सकते हैं। और अगर आपको इशू है यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जो मिनी पराठे बने एकदम राउंड राउंड बने, तो आप एक काम कीजिए, आप कोई भी कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे राउंड करते जाइए। आप इसे जब बेलें ना बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखें, जैसे नॉर्मल हम भरवा पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक तवा और तवे को कर लिया गरम और उसे हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। और इस तरीके से हमने जो भी मिनी पराठे बनाकर रखे थे, आप इस तरीके से आप तवे पर रखते जाएं। एक ही बार में आप 4 से 5 पराठे आराम से बना सकते हैं। और जब पराठों को डाल दें, आप थोड़ा थोड़ा सा देसी घी ऊपर से भी अप्लाई कर दें और उलट पलट कर आप इसे करीब 1.5 से 2 मिनट सेकेंगे। 1.5-2 मिनट में ही आपके सारे पराठे सिककर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स उतना ही टाइम लेंगे जितना कि आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना। तो बस उलट पलट दिया और ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे पराठे सिककर तैयार हो गए हैं। काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही आपका पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले रखते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और एकदम आसान तरीके से बनी हुई आलू की सब्ज़ी। ये रखी मोटी वाली मिर्चें जो अमेजिंग बनकर तैयार हुई हैं। किले का रायता रखा और उसके साथ ही मैंने काट लिया है ये खीरा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्चें भी साथ में रख सकते हैं। और ये रखिए अपने मिनी पराठे। फ्रेंड्स देख के ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन टेस्ट करने के लिए तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना होगा। काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं और साबूदाना और चावल की वजह से इसका जो आउटर लेयर है ना काफ़ी क्रिस्पी रहता है और अंदर आलू की वजह से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस नवरात्रि आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे भी बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जय माता दी ज़रूर लिखें।